जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले थाना संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और एसएसपी शलमाथुर ने चिलवाताल और शाहपुर थाने में पहुंचकर फरियादियों की फरियाद को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। चिलवाताल थाने पर डीएम एसएसपी के पहुंचते ही वहां मौजूद फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराया, जिस पर डीएम और एसएसपी ने उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम, विद्युत विभाग, जीडीए के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। ऊपर से आदेश करा लिया गया, क्या सुना हुआ है, क्या इंश्योरेंस से क्या जो दावा किया गया था, आदेश नहीं है, दिखा करती है जबरन हमारी जमीन पे। आप इसे एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल दीजिए सिविल कोर्ट में, कैसे दर्ज हुआ आपका? कौन दर्ज किया? सर प्रोसेस से दर्ज हुआ, अचानक दर्ज किया भाई, वो निकाल के देखो, इसी के आधार पर नहीं हो पाता। एग्जीक्यूशन ऑर्डर आएगा कोर्ट से, परवाना मंजरा मतलब दर्ज होगा, इसी से थोड़ी दर्ज होता है। तुम्हारा परवाना मंजरा कहाँ है? एग्जीक्यूशन धारा 41 के अंदर लिख रहे हैं ना, उसमें जो उसी के धारा के अंदर कर लो। सुना प्रार्थी की धारा 24 में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त। आप 24 में निकल कर अभियान चलाइए, कदम देखा था 2 साल 3 साल में इस टीम का आदेश के बाद भी पेंडिंग है, पुष्टि की जा चुकी है। ये तमाम आ रहे उस समय क्या कब्जा नहीं था? नहीं उस समय कब्जा नहीं था। प्रधानमंत्री योजना वाला बनवावत रही है, जब उजार दे दी पूरा चक पिलर लगा दे रही है, तब एहन रोके लगल तब से पल बदल ना हो गए, कृपा करके हमके मिल जा। हम बनवाई, हमारे कब्जा भी है, दीवार चलल बा, कुल भइल बा। चलिए, और किसी को एप्लीकेशन देना है? किसी बात का खाना समाधान कोई दरखास्त है क्या है, किससे मिलना है बता दिया गया, क्योंकि आबादी में है और कोई आबादी का मैटर है। हम आबादी जब बाद में तनख्वाह वेतन सबों का उनके साथ रहता, तब जाके जल्द बना के देते हैं। तमाम कल करते हैं, हमें देना बताना चाहिए। वो गांव यहाँ एक ही सर दर्द है परमेश्वर, वहाँ तो ये दो नहीं है, दो संख्या में एक ही गाँव, बट वहाँ जाके गांव ले लिया अभी सुन, हम की औरत हमारी 14 साल की बच्ची को 70 साल के ड्रॉप करवा रही है, और हमारी परिवार की स्थिति नहीं कर रही है, हमारे पति को भी छीन, हमारे बेटा को भी छीन गई है। तो सबका ले लिया है, सबका हिस्सा लगा करके सबको दे दिया था। आप एक काम करिए, हमारी जमीन का मेरी बात कौन कह रहा है? धर्मदेव और दशरथ। वो कौन है? डीलर है सर, डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट वाले। ये सब मतलब आपके भाई लोग ये नहीं बेच, हम नहीं बेच, इनके हिस्सा को निकल कौन है? कौन आप
गांव साउथ का लड़का इनको निकाल रहा है घर, इसके नाम रजिस्ट्री सुधा जमीन कहाँ है आ गया यही मदद चाहते हैं कि हमारा जो जमीन है ये तो इन्हीं के नाम से ही होगा, इन्हीं के नाम से। इस पे कैसे कुछ है क्या जो हो रहा है क्या? नहीं, ये कहीं किस्म है टोटल 436 स्क्वायर फीट टोटल 436 कुछ बन गया। हाँ, किस सीमेंट से? सीमेंट से मकान बनाए, सीमेंट से बनाए, एक कमरा आय का साधन क्या है, क्या कमाई है? उसे बाहर कब निकला, घर से बाहर कब निकला था? मेरी नंगी फोटो लेके मुझे सम्मानित कर रहे हैं, आप बताइए सर वो यही सब रह गया है बात करें ऐसे लोगों के आरोप लगा रिपोर्ट सर के बंगले पे नंबर। सर हमारे मामले को आप एकदम हल्का समझ रहे हैं, देखो भाई गंभीर मामला है। अब वही है कि गंभीर तो है, इसलिए दो तीन लोगों का नकवा दिया तुमने, अभी जमीन के नहीं है। नहीं, मामला वो महिला का है कि जो महिला हमारे ऊपर आरोप लगाई है हुआ है मामला हो गया। तो पैमाइश के बाद वो निर्माण शुरू थी, हम जाके SDM साहब को दरखास्त दिए, आपको भी पहुंचे तो आपने कहा SDM साहब को कहा SDM साहब लेखपाल को भेज के गड्ढा पटवा दिए। फिर 15 दिन के बाद वो कहा कि फिर उसमें निर्माण शुरू हुई, फिर 100 नंबर पे हमने पुलिस को फोन किया, 100 नंबर की पुलिस आई रुकवा अब रुका है। तब SDM साहब आरोप लगा दिया। हाँ, तो जब रुक गया और डूडा से आवास पास कराई थी, वहाँ भी आपको दरखास्त दिया, वहाँ से आपने कार्रवाई करवा दिया, जब उसका आवास रुक गया। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। वो कैसे नंबर दे थे क्या? जबरदस्ती सर, मुंबई से SC का नंबर दे मुंबई से सर। वो क्या मकान पास कर लिए तो रुक गया, तो जब रुक गया तो छुप होके मेरे ऊपर आरोप लगाई कि ये मेरे घर में घुसकर और जो है एप्लीकेशन दिया, तो उसके खिलाफ उसमें सर ये रिपोर्ट आप देख मेरे को ये बता दीजिए सर, ये अभी नंबर पढ़ने थाने की लगा हुआ है सर। नाम क्या साहब? थाना दिवस चिलुआ तल पे आए थे, खासतौर पे जमीन संबंधित मामला कई समस्या था यहाँ। मौके पे 10-15 मामला निस्तारण कर दिए, एक दो मामला पे जो हम लोग टीम कराएंगे और भी जो कितने मामला आता रहता है हम लोग दिन के अंदर